आखिरकार बच गया लोकसभा चुनाव का बिगुल। चुनाव आयोग ने तारीखों का किया ऐलान। और अब सामने है 2024 का सबसे बड़ा चुनावी संग्राम। कब कहां कितने चरण में ये चुनाव होने वाला है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूं। और इसी के साथ एक सवाल जिसका जवाब आप जरूर जानना चाहते होंगे, और सवाल ये कि आखिर सरकार देश में किसकी बनने जा रही है। और इसीलिए आज मैं आपको न्यूज 18 इंडिया का सबसे बड़ा मेगा ओपिनियन पोल भी दिखा देने वाली हूं। तो चलिए, सबसे बड़े चुनाव की सबसे बड़ी तस्वीर आखिर हो कैसी सकती है ये जानते हैं और शुरू करते हैं बात चुनाव की। अब कितने चरण में कौन सी तारीख को कहां पर चुनाव होने वाला है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये देश के सामने आज आखिरकार रख दिया है। अब सबसे पहले आप ये सुन लीजिए। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन, वील डू इट इन 7 फेजेस एज वॉज डन लास्ट टाइम। 7 फेजेस। फेज वन विल स्टार्ट फ्रॉम 20th March नोटिफिकेशन, 5 days फ्रॉम नाउ, एंड last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें phase 1 का schedule एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहां एक festival है तो notification की date same है, लेकिन बस last date of withdrawal हमें 30 March की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार की first phase के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहां त्योहार है, और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 June को काउंटिंग होगी। सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस। ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा, तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है। सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में। सेकंड फेज विल notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here in case of J&K, because of the some holiday, the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 mein 21 rajya polling mein jayenge, और फेज टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे। सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे। फेज थ्री वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मई। इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी, और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा। इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा। राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे, और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे। फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मई। डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस।
इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाय दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कंप्लीट, नॉर्थ ईस्ट वुड बी कंप्लीट। और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी। काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June। इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल। फेज 6 में 57 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम द गजट नोटिफिकेशन ऑन 29th of April एंड फिनिशिंग ऑन 25th of May 2024। इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा। लास्ट फेज 7th फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन 7th of May एंड पोलिंग ऑन 1st of June। तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन 1st of June एंड काउंटिंग ऑन 4th। एंड इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। हर राज्य के लिहाज से बारीकी से चिंतन मंथन करने के बाद इन तारीखों को तय किया गया है। अब इसमें एक चीज और भी साफ है, आप समझ जाइए कि जो ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं, कुछ ऐसी सीटें होंगी वहां ज्यादा सिक्योरिटी का कैसे इंतजाम किया जाए इसकी भी तैयारी की गई है। अब इसके अलावा लोगों के लिए मतदान की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाए इसकी भी पूरी कोशिश की गई है। अब एक सवाल लेकिन जो इन तारीखों की घोषणा के साथ उठने लगा और जो हर शख्स के मन में जरूर इस वक्त आया होगा और आना भी चाहिए, और सवाल ये कि आखिर हमारे देश में क्या होने वाला है, यानी कि सरकार इस चुनाव के बाद किसकी बनने वाली है, और भी इससे जुड़े कई सारे सवाल। तो इन सवालों के जवाब के लिए औपचारिक चुनावी जो नतीजे होंगे उनका इंतजार तो करना ही होगा, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सर्वे किया है, चुनावी सर्वे किया है। न्यूज 18 ओपिनियन पोल क्या कहता है ये मैं आपको बताती हूँ, जिसमें 1,18,000 से ज्यादा लोगों की राय को शामिल किया गया है, उनसे बातचीत की गई है। अब मैं आपको बताऊं कि इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि अकेले अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो रिकॉर्ड 350 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर है। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी या फिर एनडीए के जो बाकी बचे हुए घटक दल हैं उनको 61 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। अगर मैं विपक्षी गठबंधन इंडिया की बात करूं तो 105 सीटें मिलने का अनुमान इंडिया को है, जबकि अन्य के खाते में 27 सीटें इस मेगा ओपिनियन पोल के जरिए जो संभावनाएं जा सकती है। अब वोट फीसद की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को 48% वोट शेयर मिलने का यहां पर अनुमान है, वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया की मैं बात करूं तो 32% हो सकता है और अन्य को 20% वोट मिल सकता है। अब राज्य दर यानी कि स्टेट वाइज जो एनडीए की स्थिति है वो कैसी यहां पर दिखाई दे रही है, कहां पर क्या नतीजे साबित होंगे ये भी मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले आप जानिए कि जो हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं खास तौर पर उनमें माना जा रहा है कि प्रचंड जीत एनडीए हासिल कर सकती है। अब सबसे पहले ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं 77 का अनुमान है, मध्य प्रदेश में 28 है, छत्तीसगढ़ में 10, बिहार में 38, झारखंड में 12 और कर्नाटक में 25 सीटों पर जीत दर्ज की जा सकती है। वहीं ओडिशा 13, पश्चिम बंगाल के लिए आंकड़ा 25 का बताया जाता है, तेलंगाना 8 और आंध्र प्रदेश में 18, और ये भी संख्या जो है बहुत तेजी से इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना इस मेगा ओपिनियन पोल के जरिए दिखाई देती है। अब सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सारी की सारी 26 सीटें मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, एनडीए को तमिलनाडु में 5 और केरल की मैं बात करूं तो 2 सीट यहां से मिल सकती है, यह भी अनुमान है। अब न्यूज 18 के ओपिनियन पोल के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है, ये बताया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में मैं आपको फिर बता दूं कि बीजेपी को 350 सीटें मिल सकती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 49 सीटों पर सिमट सकती है। इंडिया के अन्य सहयोगी दलों की अगर मैं बात करूं तो 56 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है, हालांकि अभी भी औपचारिक जो नतीजे उनका इंतजार करना होगा। अब इस सर्वे के जरिए कुछ सवाल हैं जो लोगों से पूछे गए हैं। लोगों से ये पूछा गया कि प्रधानमंत्री के लिए आपकी पहली पसंद कौन है। सर्वे में ये भी पता चला है
कि पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी में से पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा है, जब लोगों से सवाल किया गया। और ऐसे कई सारे सवाल थे जिनके लोगों ने जवाब दिए हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। वो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल ये था कि प्रधानमंत्री के लिए आपकी पहली पसंद कौन है, और इसमें आगे ये भी जोड़ दिया गया कि राहुल गांधी और पीएम मोदी में से लोकप्रियता किसकी ज्यादा है। इसके जवाब में लोगों ने क्या कहा, मैं आपको बताती हूँ। 59% लोगों ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पहली पसंद बताया है। वहीं 21% लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर भी यहाँ पर मोहर लगाई है। अब आपको ये भी बता दूं कि जो सवाल था वो अलग अलग धर्मों के लोगों से भी पूछा गया, और उसमें जो जवाब मिला वो भी अब मैं आपको बताती हूँ। जवाब ये था कि दोनों नेताओं यानी कि पीएम मोदी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी की बात अगर की जाए तो हिंदुओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 66% ट्रस्ट रेटिंग यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि 66% हिंदू उन पर भरोसा जताते हैं। वहीं राहुल गांधी की हिंदुओं की ट्रस्ट रेटिंग अगर देखें तो ये 19% दिखाई देती है। हालांकि ईसाई समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनकी ट्रस्ट रेटिंग 46% यहाँ पर दिखती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये वाला आंकड़ा 31% रह जाता है।